हेलो गाइस, वेलकम टू आयत स्टडी। आज हम 11th क्लास चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे विथ एग्जांपल। तो हम आज स्टार्ट करते हैं इसमें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? इसमें ट्राइंगल्स का मेजरमेंट करते हैं हम। तो ये वर्ड कहाँ से आया? ट्रिग्नन प्लस मेट्रॉन, इसको हम क्या लिखेंगे? ट्राइंगल मेजर। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं हमारे? जैसे हमने लिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब इसमें सेकेंड फंक्शन अपना है जी एक्स इक्वल टू कोस एक्स। अब इसमें हम एक्स की वैल्यू लेंगे और अगर फंक्शन की वैल्यू चेंज होके आए तो वो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा इसमें। तो जैसे हमने एक्स इक्वल टू जीरो लिया, तो यहाँ पे जीरो वैल्यू लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू जीरो आ जाएगी। हम एक्स की वैल्यू 30 लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 1/2 आ जाएगी हमारी। ऐसे ही इसमें अपन करके देखेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम एंगल लेंगे। एंगल्स क्या होता है? इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे, ये हमारी बेस लाइन होती है। बेस लाइन ये हमारी होती है टर्मिनल लाइन, और इसके बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा पॉजिटिव होगा एंगल। अब ये पॉजिटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होता है, इस पे बात करते हैं हम। जैसे हमारी बेस लाइन ये है, ये हमारी बेस लाइन है, और यहाँ से ये टर्मिनल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है यहाँ पे। अगर ये एरो नीचे की साइड होगा ये माइनस, ये इस साइड होगा ये तो प्लस। ये टर्मिनल टी से करता हूँ डिनोट, इसको भी टी से। अब इसमें अपन को क्या देखना है, पॉजिटिव कब आएगा? पॉजिटिव आएगा एंटी क्लॉकवाइज एंगल, और नेगेटिव एंगल कब आएगा? क्लॉकवाइज। अब इसमें देखो, ये अपना नेगेटिव आ रहा है तो ये क्लॉकवाइज है, इसका डायरेक्शन देखो क्लॉकवाइज है, नीचे की साइड है, और इसका इस साइड है, ऐसे रोटेशन ऐसे हो रहा है इसका रोटेशन। तो ये अपना एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी हमारी। अब हम आगे और समझते हैं इसको। जैसे ये बेस लाइन है हमारी, ये टर्मिनल लाइन है, ये भी टर्मिनल लाइन है। अब यहाँ पे जो एंगल है ये माइनस में 90 होगा, ये पॉजिटिव 90, और ये एंगल यहाँ से ये बनेगा ये अपना 180 डिग्री। अब इसमें हम और बात करते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू 16 मिनट, ये मिनट का साइन है ये, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये तो आपको पता है। ये दोनों कंसेप्ट अपने बहुत ज्यादा काम आएंगे, ये याद रखना है आपको। और ये एंगल्स वाला है, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा वो पॉजिटिव आएगा, और क्लॉकवाइज एंगल होगा वो नेगेटिव आएगा, इसमें ये ध्यान रखना है। और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये भी याद रखना है। अब इसमें हम आगे सोल्व करते हैं। सेकेंड लेते हैं अपन रेडियन मेजर। अब रेडियन क्या होता है ये समझते हैं हम। जैसे अपन ने एक सर्कल लिया, ठीक है, अब इसकी ये रेडियस है 1 यूनिट, और यहाँ से इस सर्कल पे हम ए और बी, ये हमारी आर्क होगी, और इस आर्क की लेंथ हम 1 यूनिट लेते हैं। रेडियस इक्वल टू 1 यूनिट, और ये हमारा थीटा है, और इसको हम डिनोट करते हैं 1 रेडियन सी, ये सी साइन होता है। तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें L क्या होता है? L होता है हमारी लेंथ ऑफ आर्क, और R होता है
रेडियस, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब इसमें एंगल विल ऑलवेज बी इन रेडियन, ये पॉइंट याद रखना है। ये हमारा थीटा होगा, ये हमेशा रेडियन में आएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है ये, क्योंकि अपनी एक्सरसाइज 3.1 इसी पे है। 1 डिग्री इक्वल टू 16 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 16 सेकेंड। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें दो फॉर्मूले यूज होंगे हमारे, तो हम अभी निकाला था कि थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। अब हम इसमें एल 2πr ले, उसमें हमने इस लेंथ को 1 यूनिट लिया था। अब हम इसको पूरे सर्किल ले लेते हैं, जैसे ये सर्किल है हमारा। अब इसमें जो यहाँ से जैसे स्टार्ट किया हमने, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पूरा आ रहा है, ये पूरा एंगल बन रहा है 360 का। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये 2πr ले लिया हमने l इक्वल टू इस पूरे का, पूरा सर्कल ले लिया हमने। अब आगे सॉल्व करते हैं, एंगल इक्वल टू 2πr अपॉन r, ये r से r कैंसिल हो गया, 2πc, ये हमारा c क्या होता है, रेडियन। अब यहां से क्या लिखेंगे, ये अपना 360 है, 360 इक्वल टू 2πc। अब यहां से 1πc इक्वल टू 360 अपॉन 2 इक्वल टू 180, ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें यहां पे 1c इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं, 180 डिग्री इक्वल टू 1πc, ये वाली इक्वेशन। अब यहां से हम 1 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 डिग्री इक्वल टू πc अपॉन 180, इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अगर हम रेडियन में चेंज करते हैं तो 180 डिवाइड बाय पाई, और डिग्री में करते हैं तो पाई अपॉन 180 काम में लेंगे। तो जैसे हम इसको आगे कैसे लिखते हैं, डिग्री इक्वल टू रेडियन इनटू 180 डिग्री अपॉन पाई, और रेडियन में लेंगे तो डिग्री इनटू पाई अपॉन 180, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ याद रखनी है अपन को। अब जैसे हमारे को रेडियन में दे रखा है, जैसे रेडियन पाई अपॉन 6, अब इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम पाई को क्या लिखेंगे, 180 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री, जैसे अब 3π अपॉन 2 ये दे रखा हो, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 इंटू 180 डिवाइड बाय 2 तो इसकी वैल्यू आएगी 270। गाइज ये कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको आप याद रखो। अब इस पे अपन एक एग्जांपल करते हैं। अब हमारा एग्जांपल है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन मेजर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या जानते हैं, वी के नो डेट 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये हमने पढ़ा था अभी। 40 डिग्री 20 मिनट इक्वल टू 40, और इस 20 को अपन डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे तो 20 अपॉन 60 डिग्री
इक्वल टू 41/3, इसको लिखेंगे हम 21/3 डिग्री। अब इसको अपन ने डिग्री में चेंज कर लिया, आगे कैसे सोल्व करेंगे, ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो हमारी 1 डिग्री इक्वल टू क्या था, पाई अपॉन 180 रेडियन। अब यहाँ पे 121/3 डिग्री लेंगे 1 की जगह, तो इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 121/3 रेडियन, क्योंकि ये यहाँ पे लेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू से। आगे सोल्व करते हैं, 121/540 रेडियन, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं, उस पर और बात करते हैं हम। अपना सेकंड एग्जांपल है, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। अब इस 6 रेडियन को हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वी कैन नो दैट पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे अपन 6 रेडियन ले रहे हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, तो 6 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 6, ये डिग्री में हो जाएगा 180। अब इसको क्या लिखेंगे, 22/7, तो अपॉन 7 ऊपर चला जाएगा। आगे कैसे सोल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया हमने इस 6 से, तो 1080 इंटू 7/22, ये डिग्री। अब आगे कैसे सोल्व करते हैं, इसे 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, ये 540। यहाँ से आके सोल्व करते हैं इसको, तो 343 7/11 डिग्री। आगे कैसे सोल्व करेंगे, 343 ये तो डिग्री में, अब 7 है, इसको अपन मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 7 इंटू 60/11, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होती है, ये 6 ने मल्टीप्लाई कर दिया हमने। आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे, 343 डिग्री प्लस 420/11, ये मिनट, 343 प्लस, अब इस 11 से अपन इसको डिवाइड करेंगे, तो 38 तो मिनट प्लस 2/11, ये मिनट। अब इस 2 को अपन सेकंड में कन्वर्ट कर लें, तो 1 मिनट इक्वल टू 16 सेकंड। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, 343 डिग्री प्लस 380 मिनट प्लस 2 इंटू 60/11 सेकंड। अब आगे इसको सोल्व किया हमने, 11 से इसको डिवाइड करेंगे हम, तो ये अप्रोक्स 10.9 सेकंड आएगा यहाँ से, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 343 डिग्री 38 मिनट 10.9 सेकंड, ये वैल्यू आ जाएगी अपनी 6 रेडियन की। गाइस बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये, इससे आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू।